पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान। सियालकोट में टैंक के जरिए सीमा पर कर रहा अंधाधुंध गोलीबारी। शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। पैरामिलिट्री एसओजी और सीआरपीएफ जवानों ने संभाल रखा है मोर्चा। भारत ने हवाई हमले पर जमीनी स्तर के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी हासिल की सफलता। दुनिया को ये समझाने में रहा कामयाब, ये हमला पाकिस्तान पर नहीं आतंकवाद पर था। भारत ने विश्व को दिया संदेश, आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने का नहीं बचा था कोई दूसरा रास्ता। बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला कर भारत ने आतंकी मसूद अजहर को सिखाया बड़ा सबक। आतंकी ठिकाने की जानकारी मुहैया कराने में रॉ, आईबी और एनटीआरओ ने निभाई बड़ी भूमिका। एयर स्ट्राइक में मिराज 2000, सुखोई 30 और अवाक्स की तिकड़ी ने निभाई बड़ी भूमिका। बालाकोट में आतंकी कैंपों को चंद मिनटों में किया तबाह। आगरा और बरेली से उड़े थे मिराज प्लेन, 21 मिनट तक टेरर कैंपों पर जमकर की बमबारी। एयर स्ट्राइक में 12 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले का नाम है मोदी। योगी ने कहा, दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देना मोदी जी ही जानते हैं। अयोध्या में लोगों ने दीप जलाकर एयर स्ट्राइक पर जाहिर की खुशी, बाद में आतिशबाजी, बीजेपी विधायक भी रहे मौजूद। नोएडा में भी पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई से लोगों का खिला चेहरा, महिला बच्चों के साथ लोगों ने मनाया जश्न। पाकिस्तान में आतंकियों पर बमबारी से लखीमपुर खीरी में साथ मनी होली और दिवाली, बीजेपी विधायक के साथ लोगों ने उड़ाया गुलाल, फोड़े पटाखे। एयरफोर्स के ऑपरेशन का लखनऊ में मना जश्न, लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाई खुशी। अलीगढ़ में हिंदू छात्र वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की दिखी खुशी। अलीगढ़ में मदरसे के एक मौलाना पर मासूम से रेप की कोशिश का लगा आरोप, लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा।